रिकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर एल्केन्स, उसकी होमोलोगस सीरीज, एल्कीन्स और अल्कोहल्स, ये हमने देखे थे, ठीक है। अब हम ना आज जरा नेमिंग सीखते हैं कि नेमिंग कैसे देनी है, लेकिन उससे पहले कुछ फंक्शनल ग्रुप मजीद रहते हैं, वो भी हम जरा देख रहे हैं, ठीक है बेटा। तो मैं जल्दी से पीछे वाला भी रिवाइज करवाता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा हम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर हमने अल्केन्स देख लिए थे और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी देखी थी। अल्कीन्स हमने देख लिया था, अल्कोहल हमने देख लिया था। अल्केन्स में बेटा ये था कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अल्केन्स आर सैचुरेटेड, मैं भी बिल्कुल आपको समरी बता रहा हूँ क्योंकि अल्केन अल्कीन अल्कोहल हो चुका है, ठीक है। अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और हाइड्रोकार्बन बेटा सैचुरेटेड मीन कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन कहते हैं कि ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। इनका जो जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2, ये है जी इसका जनरल फॉर्मूला, ठीक है। और इनके नेमिंग मैंने आपको बताई थी, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस तरीके से। और आपको फिर डिफरेंस भी बताया था, अगर आपको याद हो, कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है और डिस्प्लेट फॉर्मूला क्या होता है। बताइएगा बच्चों जरा, ये बातें याद है या नहीं याद? जी बेटा, बेटा बोलिएगा, ये बातें याद है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे लिखते थे और इसका डिस्प्लेट फॉर्मूला? जल्दी यस से सर, बताएं भाई। जी बेटा बताएं ना, शाबाश, जल्दी से कोई बच्चा मुझे बताए कि ये बातें याद है ना, हमना, खदीजा, मिनाहिल, ठीक है। अच्छा बेटा, अब फिर हमने अल्कीन्स देखा था। अल्कीन्स अल्कीन्स के बारे में कोई बच्चा बताएगा कि अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर अल्कीन्स, तो आप इसका क्या आंसर देंगे? अल्कीन्स क्या होते हैं? व्हाट आर अल्कीन्स? जी बेटा, अल्कीन्स क्या होते हैं भाई? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। शाबाश, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसमें हमने कहा था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा और इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो CnH2n है। तो मैं सिर्फ बेटा इसकी कीवर्ड्स यहां लिख देता हूं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और इसमें बेटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा और इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो CnH2n, मतलब जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसका डबल होंगे। और कोई एक बच्चा मुझे जल्दी से ये बता दे कि जो अल्कीन्स हमने पढ़ा था और जो अल्केन्स पढ़ा था, अल्केन के फर्स्ट मेंबर का नाम क्या होगा? अल्केन में जो फर्स्ट मेंबर है उसका क्या नाम था? मीथेन, और अल्कीन्स के अंदर जो फर्स्ट मेंबर है उसका क्या नाम होगा? इथीन, इथीन होगा। शाबाश, मीथीन कुछ नहीं होता भाई, मीथीन तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता ना, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर कोई बच्चा मीथीन कहेगा तो वो तो भाई CH2 बन रहा है फिर, CnH2n के अकॉर्डिंग, जितने कार्बन हाइड्रोजन उसके डबल, तो CH2 तो कुछ नहीं है। तो इसलिए बेटा ये अल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर है वो इथीन होगा, दो कार्बन वाला जो इथीन है वो फर्स्ट मेंबर होगा अल्कीन का। अच्छा, उसके बाद बेटा हमने अल्कोहल्स देखे थे, अल्कोहल्स। और इसके अंदर जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप था कि कार्बन के साथ OH लगाओ, कार्बन के साथ OH ग्रुप, और इसके अंदर एक कार्बन वाला जो अल्कोहल था उसको आपने कहा था मेथानॉल, दो कार्बन वाले अल्कोहल को आपने कहा था एथानॉल, और तीन कार्बन वाले अल्कोहल को आपने नाम दिया था प्रोपेन वन ओल या प्रोपानोल। आज बेटा हम स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एस्टर्स, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बेटा अल्काइल ग्रुप बताना चाहता हूं। मुझे बताएं आप में से किसी को याद है अल्काइल ग्रुप क्या होता है? व्हाट इज अल्काइल ग्रुप? अल्काइल ये नहीं पता तो सुने बेटा, ये जो बेटा अल्केन होता है ना आपके पास, अल्केन, अल्केन में से अगर आप एक हाइड्रोजन, अच्छा अल्काइल कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये बात ध्यान में रखें, दिस इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, ये बेसिकली डेरिवेटिव है अल्कीन का, अल्कीन से निकला, अल्केन से निकला, ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है अल्काइल।
अल्काइल होता क्या है वो मैं बता रहा हूं कि आप अल्केन में से एक हाइड्रोजन को माइनस कर दो तो आपके पास अल्काइल बनता है, जैसा कि आपके पास CH4 है मीथेन। इसमें से बेटा जब आप एक हाइड्रोजन निकालोगे ना, एक हाइड्रोजन इसमें से निकाल दो तो क्या बनेगा, ये CH3 बन जाएगा। CH3 का नाम है मिथाइल, मिथाइल। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल देता हूँ। आपके पास है C2H6, इसको बोलते हैं इथेन। इथेन में से बेटा आप एक हाइड्रोजन निकाल दो अगर, तो ये बनेगा C2H5, इसको पता है क्या बोलते हैं, इथाइल, इथाइल। तो अल्काइल जो है इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1। एल्केन का होता है ना CnH2n+2, CnH2n+2। लेकिन अल्काइल क्या है कि आप एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो वो अल्काइल होता है। अभी आपको इसका मकसद समझ आ जाएगा कि मैं अल्काइल क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब हमने नेमिंग करनी होगी ना कंपाउंड्स की, फिर ये बड़ा काम आएगा। इसी तरीके से बेटा अगर तीन कार्बन है आपके पास C3H8, तो इसको क्या बोलते थे, प्रोपेन। और इसी से अगर आप C3H7 कहेंगे तो इसको आप बोलोगे प्रोपाइल, प्रोपाइल। तो ये बेटा आपने याद रखना है आज की पहली चीज जो आप लोगों को नहीं पता होगी कि अल्काइल क्या होता है। अल्काइल बेसिकली अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो अल्काइल बनता है। मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल। ये आगे नेमिंग में आपको काम आएगा। ठीक है, अच्छा जी, जो आज का फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। पर तीन फंक्शनल ग्रुप हो गए थे, मुझे आप जरा कंफर्म कर दें कि अल्कोहल पिछली क्लास में हो गया था या नहीं हुआ था बेटा। अल्कोहल यस सर, हो गया था। हो गया था ना, अल्कोहल। तो आज के जो नया फंक्शनल ग्रुप है दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है ना बेटा, फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज COOH। ये है जी, ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। इसको ऐसे मेंशन करते हैं, देखो सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ये बात सबको पता है ना कि कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, ये फंक्शनल ग्रुप है। आप देख रहे होंगे यहाँ कार्बन तीन बॉन्ड बना रहा है, तो चौथा बॉन्ड मैं भी बना देता हूँ, यहाँ एच लगा देता हूँ। ये आपके पास ना, दिस इज दी फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक। कौन सा, ये सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमेशा आखिर में आएगा। अब इसको नाम दे लेते हैं बेटा। आप देखो इस पूरे मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन है ना, तो एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, तो इससे बनेगा मीथेन। और बेटा जिस तरह अल्केन के लिए जो फैमिली नेम था वो एन था, ANE, अल्कीन के लिए फैमिली नेम था ENE, अल्कोहल के लिए फैमिली नेम था OL। आप कहते थे ना मेथानोल, आप कहते थे एथानोल या प्रोपानोल, OL लगाते थे ना। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो फैमिली नेम है जो आखिर में लगेगा वो है OIC। ये तीन अल्फाबेट्स आपने यूज करने हैं, तो इसका नाम पता है क्या होगा, ये OIC आखिर में लगाओगे तो ये बनेगा मेथानोइक एसिड। इसका नाम क्या होगा, मेथानोइक। मीथेन क्यों कह रहे हैं भाई, एक कार्बन है इसलिए। और OIC क्यों कह रहा हूं, OIC इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप जो लगा हुआ है ना COOH, इसको OIC से रिप्रेजेंट करना है आपने। ठीक है, अब दो कार्बन वाला जो होगा ना, जरा उसको भी देख लो बेटा, दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, एक कार्बन तो इसमें लगा हुआ है, एक कार्बन पीछे लगा दो। ऊपर मैंने क्या किया था, उसके साथ हाइड्रोजन लगा दिया, या मैं उसके पीछे हाइड्रोजन लगा रहा हूँ भाई। अब ये दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, दो कार्बन वाला। इसका कोई बच्चा नाम बता सकता है जी, जरा सजेस्ट करें इसका नाम क्या होगा। शाबाश, दो कार्बन वाला, इथेनॉल, इथेनॉल, नहीं दो कार्बन, दो कार्बन को तो आप कह दोगे ना बेटा इथेन, इथेनॉइक। क्योंकि कार्बन ओके ओके कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इथेन। और अब आपने इसके फैमिली को नाम देना है, तो ये देखो सी डबल बॉन्ड ओ एन ओ एच, इसके लिए क्या कहा था, क्या ऐड करोगे आखिर में, ओ आई ओ सी आई सी, इथेनॉइक एसिड। एथानोइक एसिड। इसको कहोगे एथानोइक एसिड, क्योंकि दो कार्बन, दो कार्बन के लिए इथेन हो गया, दो कार्बन के लिए इथेन, और कार्बोक्सिलिक सी डबल ओ एच के लिए OIC लगाओगे। अच्छा, ये तीन कार्बन के लिए क्या होगा, देखें अगर इस तरह हो, वन
टू। अच्छा ये बात याद रखो कि जो कार्बोक्सिलिक है ना, ये हमेशा एंड वाले कार्बन पर आएगा, एंड वाले कार्बन पर, क्योंकि ये पूरा ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है ना, ये हमेशा एंड पर ही आएगा। तो बाकी बेटा इसके हाइड्रोजन पूरे कर दो, क्योंकि कार्बन के चार बॉन्ड्स बनाने हैं आपने। ये जो कार्बन है इसके साथ तीन हाइड्रोजन लगेंगे ऐसे, ये तीन हाइड्रोजन आ गए इसके साथ। तो अब बेटा देखो यहां पर इसका नाम क्या होगा, तीन कार्बन है आपके पास, है यहाँ पर तीन कार्बन, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो इसको बोलेंगे प्रोपेन। प्रोपेन, और ये जो कार्सी डबल ओ एच है ना बेटा, इसके लिए आप लगाओगे ओ आई सी, प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ठीक है। इसी तरीके से बेटा आप आगे आ जाओ। अच्छा वो जो होमोलोगस सीरीज की मैंने बात की थी, वो यहां पर भी अप्लाई होगी भाई, होमोलोगस सीरीज वाली बात यहां पर भी अप्लाई होगी। अच्छा इसी तरीके से चार कार्बन वाला क्या होगा, मैं जल्दी से कर रहा हूँ, CH3, CH2, CH2, COOH, देखो ना ये चार। अच्छा बास बच्चे ना इन तीन कार्बन को काउंट करते हैं, इसको काउंट ही नहीं करते भाई, इसको भी काउंट करना है, चार कार्बन है। और अगर इसको आप डिस्प्लेट, ये तो हो गया। अच्छा ये जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा है, ये कौन सा फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल या डिस्प्लेट या मॉलिक्यूलर, ये कौन सा फॉर्मूला है बेटा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल। बेटा ये मैं दोबारा बताता हूँ, लगता है आप लोग भूल गए हैं भाई। देखो मैंने आपको ये कहा था, एक है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज ही नहीं करते हम। एक है डिस्प्लेट फॉर्मूला, हम या डिस्प्लेट फॉर्मूला यूज करेंगे या स्ट्रक्चरल, और एक है बेटा आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मैं जरा जल्दी से इसमें डिफरेंस दोबारा बता दूं, क्योंकि ये बातें बार बार रिपीट करूंगा तो आपको याद रहेंगी। पर जिस तरह हमारे पास है ना, दो कार्बन वाला एसिड है, CH3, सी डबल बॉन्ड OOH, क्या मैंने तमाम बॉन्ड्स को शो किया है, किया है, कोई ऐसा एटम तो नहीं है ना जिसका बॉन्ड मैंने डिस्प्ले ही नहीं किया। तो बेटा ऐसे ऐसे फॉर्मूला जिसमें मैं तमाम बॉन्ड शो करूं, उसको बोलते हैं डिस्प्लेट फॉर्मूला, ठीक है। इसका स्ट्रक्चरल कैसे होगा, स्ट्रक्चरल बता क्या करते हैं, आप देखते हो कि इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, ये जो येलो कलर वाला कार्बन है, तीन हाइड्रोजन है, तो बस इसके साथ आप इस तरह कर दो, CH3 लिख दो, और आगे कार्बन के साथ COOH भी लिख सकते हो या CO2H भी लिख सकते हो, CO2H आपकी मर्जी। तो स्ट्रक्चरल में आप एक कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन आ रहे हैं ना, या जितने एटम्स आ रहे हैं, वो आप बता रहे हो। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता कैसे होगा, कितने कार्बन है, दो कार्बन है C2, हाइड्रोजन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, C4 और O2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ऐसे होता है जिसमें आप बस टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताते हो, उनकी कनेक्टिविटी नहीं बताते। तो डिफरेंस समझ आया बेटा, स्ट्रक्चरल में एक और बता देता हूँ एग्जाम्पल। देखो अगर आपके पास है तीन कार्बन वाला एसिड, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये CH2 है और ये है जी CH3, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा बनेगा वो ये होगा कि तीन कार्बन है ना, C3, हाइड्रोजन काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, H6, और ऑक्सीजन दो है O2, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और अगर बेटा आपने इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है, तो मैंने आपको कहा है स्ट्रक्चरल में आपने देखना है कि हर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन एटम अटैच है, पहले है CH3, देन बेटा CH2, और देन है CO2H भी लिख सकते हो, COOH भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। तो ये है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखने का तरीका, ठीक है बेटा। अच्छा इसका नाम है बेटा, ये तो आपका हो गया प्रोपानोइक एसिड, इसी तरह ब्यूटानोइक एसिड, और इसी तरह आगे पेंटानोइक एसिड, इसी तरह आगे चलता जाए। अच्छा बेटा इसके बाद रह गया एस्टर। एस्टर जो है ना, वो मैं अभी आपको नहीं कराऊंगा, क्योंकि जब वो उसके रिएक्शंस कराऊंगा तो एस्टर आपको तभी कराऊंगा। अभी हम आते हैं नेमिंग के ऊपर, के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आपने नाम कैसे देना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम कैसे देना है, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इसमें जो हम सबसे पहले करने जा रहे हैं वो है अल्केन्स, कि अल्केन्स को कैसे नाम देंगे, ठीक है जी। जैसे कि मेरे पास है एक मॉलिक्यूल इस तरीके से, 1, 2, 3, 4, 5,
अच्छा बेटा इससे फर्क नहीं पड़ता, एच पीछे लगा दो ये इस तरह, या ये एच आप आगे लगा दो ऐसे करके, मैटर नहीं करता ये, सी एच टू सी एच टू एंड सी एच थ्री। ये बेटा एक मॉलिक्यूल है, आपने इसको नाम देना है जी, इस मॉलिक्यूल को आपने नाम देना है। ठीक है, तो अब नेमिंग कैसे होगी जरा गौर से देखिएगा। जब भी आपने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देना है ना, तो आपको मेन चेन सिलेक्ट करनी होगी, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन। मैं चले ऊपर लिखता भी जाता हूँ शॉर्ट, उसमें सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन। पर आपको मेन चेन सिलेक्ट करनी है जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देना है। तो इसमें देखो मेन चेन कौन सी होगी, ये हो सकती है बेटा, इसमें मैक्सिमम कार्बन आ रहे हैं ना, ये हो सकती है, ये मेन चेन है ये। मैं भी आपको इसमें एक और ऑप्शन भी दूंगा, लेकिन पहले ये ऑप्शन देखो, ये आपकी मेन चेन हो गई। और एक मिनट बेटा, दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन। अच्छा अब कोई ऐसा कार्बन जो मेन चेन से बाहर निकल रहा हो, है कोई ऐसा कार्बन जो मेन चेन से बाहर निकल रहा है, सी एच, ये आपकी बेटा ब्रांच होगी। अब देखो ये आपकी ब्रांच है, इसको बोलते हैं ब्रांच जो मेन चेन से बाहर निकल रहा है, और ये आपकी मेन चेन है, इसको पेरेंट चेन या मेन चेन कुछ भी आप कह सकते हैं। अब आपने इस कंपाउंड को नाम देना है, तो आपको ये बताना होगा कि ये जो ब्रांच है ना, ये किस कार्बन के साथ अटैच है, बताओ किस कार्बन के साथ अटैच है, उसको नंबर देना है। नंबर काउंटिंग कहां से करें, मसला ये बन गया। काउंटिंग हम राइट साइड से करें, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से करें, बोलें जी कहां से काउंटिंग करें। राइट साइड हाँ बेटा आपने रूल ये जेन में रख लो कि मैं चलिए यहां दूसरी स्टेटमेंट भी लिख देता हूं, कि आपने पहले स्टेटमेंट सुन लें कि आपने काउंटिंग वहां से करनी है जहां से ब्रांच जल्दी आ जाए, जहां से ब्रांच जल्दी आए, तो राइट साइड से जल्दी आ रही है, तो आप इसको ऐसे कर दें, असाइन दी लोवेस्ट नंबर टू दैट कार्बन विच हैज ब्रांच, कि जिस कार्बन के पास बेटा ब्रांच है ना, जिस कार्बन के पास ब्रांच है, इस कार्बन के पास जिसमें मैंने स्टार बनाया, इस कार्बन के साथ ब्रांच है ना, तो इस कार्बन को लोवेस्ट नंबर देना है। तो ये लोवेस्ट नंबर कहां से मिलेगा, अगर आप राइट साइड से काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5, अगर आप बेटा लेफ्ट साइड से काउंटिंग करते हैं तो वैसे बनेगा 1 2 3 4, तो ये ब्रांच 4 पर आ रही है, इसलिए बेटा आपको जो काउंटिंग करनी है वो राइट साइड से करनी है। अब नाम कैसे देना है, जब भी नाम देना है पहले ब्रांच लिखनी है देन मेन चेन लिखनी है, पहले अब आपने ब्रांच का नाम लिखना है, ब्रांच देन पेरेंट नेम या मेन चेन। अच्छा जी बताएं इस ब्रांच का क्या नाम होगा, ये ब्रांच का कोई नाम बच्चा बता सकते हैं, CH3 को क्या बोलते हैं, ऊपर अभी हमने पढ़ा था देखिए, इसीलिए आपको मैंने बताया था, ये अल्काइल ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप्स। CH4 तो होता है मीथेन, CH3 क्या होता है जी, CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल मिथाइल। बड़ा इसका नाम जरा आप देंगे तो आप कहेंगे कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल है, मिथाइल इज अटैच विद कार्बन नंबर 2, तो आप ब्रांच को बताएंगे 2-मिथाइल। ये 2 पता है क्या बता रहा है, 2 ये बता रहा है कि ये मिथाइल जो है ये कार्बन नंबर 2 पर अटैच है, तो 2-मिथाइल। और 5 कार्बन है पेंटेन, बेटा 5 कार्बन को पेंट कहते हैं ना, 5 कार्बन को पेंट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है एन, तो 2-मिथाइल पेंटेन। ठीक है, अच्छा अब मैं इसमें एक और ऑप्शन देता हूं, आप लोगों के जहन में एक और ऑप्शन भी आ रहा होगा, इसी कंपाउंड को दोबारा लिखता हूं नीचे, क्योंकि बाज बच्चों के जहन में एक और ऑप्शन भी आ रहा होगा। देखो बेटा लाजमी नहीं है कि हमेशा लीनियर चेन ही लो, आप ये चेन भी ले सकते थे, कौन सी, ये देखो लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए बस, ये वाली, ये भी तो लॉन्गेस्ट चेन है, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन। चेन ऐसी होनी चाहिए जिसके पास दो ही एंड हो, देखो ना दो एंड है इसके, एक ये एंड है और एक ये एंड है, दो एंड होने चाहिए चेन के। अब जो ब्रांच आ रही है वो ये आ रही है भाई, दिस इज द ब्रांच। अब काउंटिंग करनी है, काउंटिंग मैं यहां से करूंगा भाई, ये नीचे वाली साइड से, कार्बन नंबर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन नंबर 5, तो आप देखेंगे वही नाम बनेगा, नाम वही बनेगा भाई, कि ये मिथाइल जो है ना, ये मिथाइल कार्बन 2 के साथ आ रहा है, तो 2-मिथाइल
मिथाइल पेंटेन, पेंटेन क्यों कह रहा हूं भाई कि मेन चेन में पांच कार्बन है, पेंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। एक और एग्जांपल देखते हैं जी, वन ये इस तरह कर लेते हैं, ये जी इसको नाम दे रहे जी, अब इसको नाम दो जरा। शाबाश इब्राहिम, क्या नाम होगा इसका जी बेटा, सोचे शाबाश, नाम सोचे इसका। हाँ जी सर, मैं बताऊं जी जी बेटा बताओ, शाबाश सर, मे बी 2,3 मिथाइल पेंटेन। शाबाश, बिल्कुल ठीक है बेटा। देखें इन्होंने कैसे बताया है कि वही काम कि इनने पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट की होगी बेटा, वो लीनियर चेन बन रही है इस दवाई। देखो ना इसमें मैक्सिमम कार्बन एटम आ रहे हैं, जोन से कार्बन इस चेन से बाहर निकल रहे हैं ना, वो ब्रांचेज हैं, एक ब्रांच ये आ रही है, एक ब्रांच ये आ रही है, दो ब्रांचेज आ रही है ना। अब आपने हर कार्बन को नंबर असाइन करना है, बेसिकली आप उन कार्बन को नंबर असाइन करना चाह रहे होते हैं जिनके साथ ब्रांच है, तो आपने काउंटिंग वहां से करनी है जहां से ब्रांच जल्दी आएगी, कार्बन 1, 2, 3, 4, 5। बड़ा कार्बन 2 पर भी मिथाइल है, कार्बन 3 पर भी मिथाइल है, तो पहले आप लिखो 2, पहले ब्रांच लिखते हैं, पहले ब्रांचेस लिखते हैं, देन मेन चेन। ये आपकी मेन चेन है और ये आपकी ग्रीन कलर से जो मैंने सर्कल की है, दीज आर दी ब्रांचेस, ये ब्रांचेस है। पहले ब्रांचेस का नाम लिखना है, एक ब्रांच 2 पर है, दूसरी ब्रांच 3 पर है, मतलब 2 और 3 के दरमियान कॉमा आएगा ना, वरना तो ये 23 पढ़ा जाएगा, तो 2,3। अब कितने मिथाइल हैं, एक या दो? हाँ दो, तो डाई मिथाइल, अगर तीन होते तो ट्राई, चार होते तो टेट्रा, ठीक है, तो डाई का मतलब होता है दो, दो मिथाइल है तो 2,3-डाई मिथाइल ब्रांचेज हो गई। अब मेन चेन में पांच कार्बन आ रहे हैं, पेंट और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है एन, तो 2,3-डाई मिथाइल पेंटेन। एक और करते हैं जी, अभी इसी तरह का क्वेश्चन, ये लीजिए इसको नाम दें शाबाश, इस कंपाउंड को नाम दें। हरी अब जी इस कंपाउंड का नाम दें शाबाश। जी बेटा कोई बच्चा भी नाम दे दे रैंडमली, कोई लाजमी नहीं है कि एक बच्चे ने नाम देना है। ये चेन ले लूं इस तरह करके, इस तरह करके चेन ले सकता हूं बेटा, ये बोले बेटा ये नो चेन ले सकता हूं या नहीं इस तरह करके? नहीं भाई, चेन के दो एंड्स होते हैं, इसको तो चार एंड्स हैं, दो एंड्स होने चाहिए ना, तो बस ये चेन ही बनेगी फिर, ये ऐसे इस तरह ले लो या वर्टिकल ले लो, मर्जी है, इस तरह भी ले सकते हो, एक ही बात है, तो मैं लीनियर ले लेता हूँ ऐसे करके। ये दो ब्रांचेज आ गई बेटा दोबारा, ठीक है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। इस दफा भी दो ब्रांचेज हैं, लेकिन दोनों ब्रांचेस किस कार्बन पर है भाई? कार्बन नंबर 2 पर है, तो पहले इस एक मिथाइल की पोजीशन बताओ ना, इस एक मिथाइल की पोजीशन क्या होगी? दिस मिथाइल इज प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 2, तो 2, दूसरा मिथाइल भी कार्बन 2 पर है, 2,2, 2,2-डाई मिथाइल, दो मिथाइल है भाई, 2,2-डाई मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए आप कहोगे प्रोपेन, तो 2,2-डाई मिथाइल प्रोपेन, 2,2-डाई मिथाइल प्रोपेन। अच्छा अब एक और बेटा, आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बेटा, आप लोग नहीं बताएंगे तो फायदा क्या होगा फिर, आप लोगों ने बताना है बेसिकली। इस बार मैंने इथाइल लगाया है जी, चलें शाबाश, अब बताएं जी इसका क्या नाम होगा? हरी अब जी बस मुझे नाम बताएं, नाम बताएं क्या होगा? जी बेटा के जो बच्चे ऑनलाइन है बताएं ना शाबाश, क्या होगा जी इसका नाम, सोचें शाबाश, शामीन क्या नाम होगा बेटा इसका?
टेट्रा, फोरमिन टेट्रा। नहीं बेटा, कोई बच्चा नहीं बता रहा, मैं इसको बताऊं या आप लोग सोचेंगे? सर बस थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं? ठीक है बेटा, ले ले ले, टाइम ले ले बेटा, ये मैं सॉल्व करवाता हूँ, फिर अगले मैं इसी तरह के क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछूंगा। ये देखिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इस दफा ये है भाई, आपका ध्यान इधर क्यों नहीं जा रहा? दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। मैंने आपसे कहा कि बस ऐसी चेन सेलेक्ट करें, दो एंड्स होने चाहिए, एक हेड और एक टेल। कॉन्टिन्यूस चेन है ना, CH3 CH2 CH CH2 CH3, ये मेन लॉन्गेस्ट चेन है। कितने कार्बन? आप लोगों के जहन में इथाइल इथाइल आ रहा हो कि इथाइल ब्रांच है? नहीं भाई, ये है दो ब्रांचेस। अब काउंटिंग आप जहां मर्जी से करें, क्योंकि ब्रांचेस सेम डिस्टेंस पर आ रही हैं दोनों साइड से, चाहे नीचे से काउंटिंग करें या ऊपर से। कार्बन नंबर सर वन। सर जी बेटा, 4.4 डाई मिथाइल हेक्सेन हाँ 3-4 ना, 3-4। जी 3.4। हाँ शाबाश, अब ठीक है बेटा। देखो, एक ब्रांच 3 पर है, दूसरी ब्रांच 4 पर है, तो 3,4-डाइमिथाइल हेक्सेन, 3,4-डाइमिथाइल हेक्सेन, ये होगा जी इसका नाम। ठीक है, एक और देता हूं इसी तरह का क्वेश्चन। ये लें जी, शाबाश, इसको नाम दें। एक मिनट बेटा, सिर्फ एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर दूं, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। दीजिए, देखिए, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन सिलेक्ट करें, सारे मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज देख लें, ये पॉसिबिलिटी भी देख सकते हैं कितने कार्बन आ रहे हैं इसमें। ये तो नहीं हो सकती, इससे ज्यादा वाली चेन अवेलेबल है। अच्छा ये देखिए पॉसिबिलिटी बेटा, इसमें कितने आ रहे हैं भाई? 7। लेकिन अगर आप लीनियर की तरफ जाते हैं, लीनियर, इसमें कितने आ रहे हैं? इसका मतलब यही होगी लॉन्गेस्ट, ये एक ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच। इस ब्रांच को क्या कहते हैं भाई? CH3 को, CH3 को बोलते हैं मिथाइल। और ये क्या है भाई, CH2 CH3 कौन सी ब्रांच है? ये देखो जरा ऊपर चलते हैं, मैं आपको जहां अल्काइल ग्रुप कराया था, पर ये देखो C2H5 या CH2 CH3, बड़े बताओ, इनको ऐड करो तो C2H5 बनता है कि नहीं बनता? दो कार्बन और पांच हाइड्रोजन। हाँ, बनता है सर। तो ये C2H5 को क्या कहते हैं बोलो फिर? इथाइल, इथाइल। तो ये जो C2H5 है ना, आप इसको अलग अलग मत देखो बेटा, आप इसको ऐड करो, इन ब्रांचेस को ऐड करो, ये CH2 CH3 है, तो दो कार्बन है, फाइव हाइड्रोजन है, तो C2H5 को बोलते हैं इथाइल। अब आपने कार्बन को नंबर असाइन करने हैं, और काउंटिंग वहां से करोगे जहां से ये ब्रांचेस जल्दी आती हैं। लोएस्ट नंबर असाइन करें, लोएस्ट नंबर टू दैट कार्बन विच हैज ब्रांच, डेफिनेटली आपको लेफ्ट साइड की तरफ से काउंटिंग करनी होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पर एक ब्रांच आ रही है 3 पर, दूसरी ब्रांच आ रही है 4 पर, लेकिन अब इस तरह नहीं लिखेंगे 3-मिथाइल 4-इथाइल, नहीं भाई। अब एक और रूल भी यहां पर जेन में रखिएगा, पहले इथाइल लिखूं, मिथाइल लिखूं, या इथाइल लिखूं, या मर्जी है आपके ख्याल। पहले सर जो मिथाइल पहले लिखूं आ क्योंकि रहा है वो वो कार्बन थ्री है। लिखेंगे जी बेटा, जी, क्या कह रहे हो? सर जो पहले आ रहा है वो लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे पहले। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं पहले मिथाइल लिखूं फिर इथाइल लिखूं, जो कि गलत होगा। जब आपके पास दो ब्रांचेस आ जाएं, जरा ध्यान से सुनिएगा ये बात, जब आपके पास दो डिफरेंट ब्रांचेस हो, जब आपके पास दो डिफरेंट ब्रांचेस हो, देखो काउंटिंग तो आपने अपने उस पे करनी है, जहां से ब्रांच जल्दी आ रही है वहां से काउंटिंग करें, बात खत्म। लेकिन लिखते वक्त पहले मिथाइल को लिखा जाए या इथाइल को, तो मैं कह रहा हूं पहले इथाइल लिखेंगे। क्यों? लिखते वक्त आपने देखना है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो दोनों ब्रांचेज हैं उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है कौन पहले आता है, एम या ई।
जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे। तो इसको लिखने का तरीका ये होगा, फोर इथाइल, कार्बन नंबर फोर पर इथाइल लगा हुआ है, डैश थ्री मिथाइल। देखो जब भी डिजिट आ जाए और अल्फाबेट आ जाए उसके दरमियान डैश डालने, जब दो मैथ्स के नंबर आ जाए उसके दरमियान कॉमा डालने। तो फोर इथाइल थ्री मिथाइल, और लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, आठ, तो ऑक्टेन, ऑक्टेन। तो ये जिसका नाम फोर इथाइल थ्री मिथाइल ऑक्टेन। समझ आई जी बेटा, समझ आई है ये बात? जी अच्छा, बस इससे मुश्किल केस नहीं आएगा बेटा, ये मैंने आपको मुश्किल वाले केस भी करवा दिए, इससे मुश्किल केस आपको नहीं आएगा, ये सबसे मुश्किल केस करवा दिया, ठीक है ना? अच्छा बेटा एक और जरा देखें, CH3 CH CH2 CH3 CH2 एंड CH3, इसको नाम दें बेटा, शाबाश, जल्दी से जल्दी से इसको नाम दें। हरियर इसका टू मिथाइल ब्यूटेन, सर एम आई ऑडिबल? मिथाइल ब्यूटेन जी बेटा, क्या नाम दिया जी इसका, जल्दी से बताइएगा। मिथाइल टू मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन। अच्छा, जिन बच्चों ने इथाइल को ब्रांच बनाया वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं भाई, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करें ना आप लोग, क्यों ये समझते हैं हमने इथाइल को ब्रांच बनाना है? ये है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 1 2 3 4 5, ये है ब्रांच। तो यह क्या ये नाम नहीं होगा, थ्री मिथाइल पेंटेन, क्या ये नाम नहीं होगा बेटा? बोलो, यस सर। ये नाम होगा इसका, ठीक है जी? ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है, ये मैं आपको ये नोट्स पे भी सेंड कर देता हूँ, और कल इंशाल्लाह हम इस तरह अल्कीन्स की नेमिंग करेंगे और देन उसके बाद हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।